जबलपुर की सिविल लाइंस पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े चार शातर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जो कम कीमतों में यात्रियों को मोबाइल बेचने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल सिविल लाइंस पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरपीएफ बैरिक रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास चार लड़के काले रंग की प्लास्टिक की थैलियों में मोबाइल रखकर बहुत कम दामों में बेचने की बात कर रहे हैं और वह सभी मोबाइल चोरी के हैं। इस सूचना पर पुलिस मुखबिर के बताए हुए स्थान पर पहुंची, जहां दबिश देते हुए चार लड़कों को पाया गया, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया और उनके कब्जे से 3 लाख से अधिक कीमत के 25 मोबाइल फोन जब्त किए गए। वहीं पुलिस द्वारा पकड़े गए सभी आरोपियों से पुलिस चोरी के संबंध में पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और उन्हें किसी किन्हीं लोगों को बेचने की फिराक में है सस्ते दामों में। ऐसी सूचना मिलने पर हम मौके पर पहुंचे और चारों लड़कों से मौके पर पहुंच के पूछताछ की। पूछताछ में उन लोगों ने चोरी के मोबाइल होना कबूल किया। तलाशी में उनसे कुल 25 मोबाइल भी बरामद हुए हैं, जो कि पूछताछ उनने यह भी बताया कि ये मोबाइल उन्होंने आधारताल माड़ोताल क्षेत्र से, ओमती क्षेत्र से, और 141/3/87 के तहत कार्रवाई की गई है और अभी पूछताछ चल रही है। ऐसी हमें उम्मीद है कि और भी मोबाइल इनसे बरामद होंगे। पूछताछ जारी है इनसे। लड़का नूरुद्दीन अंसारी है, जो कि खजरी खिरिया बाईपास का रहने वाला है। दूसरा लड़का मोहम्मद फैजल है, जो कि 16 क्वार्टर थाना हनुमानताल क्षेत्र का है। तीसरा लड़का मोहम्मद महबूब उर्फ नोनो है, जो कि खजरी खिरिया बाईपास का है। चौथा लड़का है वो मोहम्मद इमरान उर्फ बादशाह है, जो कि गाजी नगर थाना गोहरपुर क्षेत्र का है। इन सभी से कुल 25 मोबाइल बरामद हुए हैं और अभी कार्रवाई जारी है। जबलपुर से टीम लोक मंगल।